तुम यहाँ? मुझे लगा कि आहिल के कमरे में होगी। नहीं, आहिल आज जल्दी सो गया था। आप आज जल्दी कैसे आ गए? तुम कहो तो वापस चला जाओ। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि कल काफी देर तक आप और माहम बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत देर से आप कमरे में वापस आए थे। मुझे लगा आज भी वॉक पर निकल गए होंगे। नहीं, आज आई थिंक शी वॉज अ लिटिल टायर्ड। शायद जल्दी सोने चली गई होगी। कह रही थी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। कल से? इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आई है, थोड़ा रेस्ट करे, घूमे फिरे, फिर कर ले ज्वाइन। शी इज वेरी एक्टिव। उसे ना ज्यादा देर घर में बैठा नहीं जाता। और उसकी अच्छी बात यह है कि वो मल्टी टास्क कर लेती है, एक साथ बहुत से काम मैनेज कर लेती है आसानी से। बिल्कुल आपकी तरह। आप भी इतनी मसरूफियत के बावजूद अपने हर काम के लिए वक्त निकाल लेते हैं। क्या ना, लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ऑफिस ज्वाइन कर ही रही है तो पाकिस्तान में रहेगी। या एक्चुअली उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया दो प्रोजेक्ट्स में, और अगर यू अंकल की इमरजेंसी ना होती तो शायद वो प्रोजेक्ट छोड़ के कभी ना जाती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन प्रोजेक्ट्स में मेरी भी 50% की इन्वेस्टमेंट है। सो आई थिंक शी शुड बी इन पाकिस्तान। तो आप लोग साथ काम करेंगे? या वी हैव टू, ऑब्वियसली। एक्चुअली कल से हम साथ ही ऑफिस जाया करेंगे। ठीक है, अब बस ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी के पास ड्रॉप कर दिएगा, मुझे कुछ काम है उनसे। कल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हमारी अर्ली मॉर्निंग क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ऐसा करते हैं कि मैं वहां साथ चले जाएंगे, तुम दूसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ चले जाना। He'll drop you। मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूं।